नमस्कार, खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं लाइफ एनर्जी की। जी हां, जीवन ऊर्जा की, जो कि बहुत ही अहम है। जीवन के किसी भी पहलू पे आप गौर करें, कोई भी सफलता आपको तभी मिल सकती है, तभी वो आप 100% उस सफलता के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं, जब उस काम में आपके इंटेलेक्ट के साथ साथ आपकी लाइफ एनर्जी भी जुड़ जाए। अगर फिजिकल एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है और इंटेलेक्ट काम कर रहा है, तो उस काम से आपको कभी निराशा नहीं होगी, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के जीवन में जो मनुष्य है, वो अपनी लाइफ एनर्जी, जो जीवन ऊर्जा है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं कर पा रहा है। लोग अपने गाड़ियों, अपने घरों, अपने बैंक बैलेंस, इन सब का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है, क्योंकि ये लाइफ एनर्जी ही नहीं है, लाइफ ही नहीं रहेगी, तो ये सब चीज़ का क्या अर्थ रह जाएगा, तो उसके बारे में कोई ख्याल नहीं करता। आदमी सोचता है एक घर से दूसरा घर हो जाए, एक अपार्टमेंट से दूसरा अपार्टमेंट हो जाए, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी हो जाए, बैंक में बैलेंस बढ़ता रहे, सब चीज़ बढ़ने के बारे में सोचता है, लेकिन कभी लाइफ एनर्जी को बढ़ाने के दिशा में कभी ध्यान नहीं देता। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वैम्पायर, लाइफ एनर्जी सकर जिसको बोलते हैं, वैम्पायर तो खून पीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, खासकर बहुत ज़्यादा जीव ऐसे मिल जाएंगे और आप खुद महसूस कर सकते हैं, जो कि लाइफ एनर्जी सोखते हैं। आप खुद इसका एहसास करेंगे, जो लाइफ एनर्जी जिसके अंदर से रेडिएट होता है, उससे आप जब भी मिलते हैं तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। आपकी आनंद की कोई सीमा नहीं होती, आपके चेहरे पे खुद ब खुद हंसी आ जाती है। और जब आप कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, तो आपकी जो खुद की लाइफ एनर्जी है, वो भी वो सामने वाला नेगेटिव व्यक्ति जो है, वो उसे सक कर लेता है और आप ड्रेंड हो जाते हैं, आप थके हुए महसूस करते हैं। आपने हालांकि कुछ काम नहीं किया, फिर भी आपको लगेगा कि आप कितने थक गए हैं, आज दिन भर आपने कितनी भाग दौड़ की, ऐसा आपकी स्थिति हो जाएगी, चाहे आपकी फिजिकल एनर्जी हो चाहे मेंटल एनर्जी हो। अगर लाइफ एनर्जी आपका सक हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो फिजिकल और मेंटल एनर्जी मिलके ही लाइफ एनर्जी का निर्माण करता है, तो वो वहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें हमेशा ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने लाइफ एनर्जी का। अगर हम अपने बैंक बैलेंस का इतना ख्याल करते हैं, उसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो अपने लाइफ एनर्जी को भी हम सेव करना सीखें, उसको बढ़ाने का सोचें। हम ऐसे सर्किल में बैठें, ऐसे लोगों के साथ रहें जहाँ की पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हों, जिनके अंदर से रेडिएट करते हों लाइफ एनर्जी। और उन जगहों पे उन कई बार आप ऐसे महसूस करते होंगे, कहीं आप गए, किसी घर में घुसते ही आपको मनहूसियत सा एहसास महसूस होगा, आपको लगेगा कि वहाँ एनर्जी ही नहीं है, आपकी एनर्जी वहाँ से बाहर जाने लगेगी, उस घर में निकलने लगेगी। अगर वहाँ आपके आने से कुछ देर पहले अगर कोई नेगेटिव पर्सन वहाँ आया होगा या बैठा होगा, कुछ मीटिंगें चली होंगी, तो वहाँ की इन्वायरमेंट में वो जो है नेगेटिव एनर्जी, वो घूमते रहती है। और जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी वहाँ आता है, तो उसके अंदर से वो बैलेंस करती है, एनर्जी सक करती है। तो आपको ये एहसास होता होगा, कभी किसी के घर में घुसे तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत आनंदमयी महसूस करते हैं, और कभी कहीं जाते हैं तो आप ड्रेन आउट, आप एकदम थके हारे और एकदम आपके चेहरे पे उदासी आ जाती है। तो इस तरह से आप अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, तो आप अपनी लाइफ एनर्जी को संभाल के रखिए। अगर आप अगर कभी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं कोई सेमिनार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो आपकी लाइफ एनर्जी है, जो आपके इंटेलेक्ट और आपके बॉडी एनर्जी के साथ मिलके आपको एक प्रखर वक्ता या एक
एक तेज आपके चेहरे पे देता है और आपकी बातें, आपके शब्द करोड़ों के लगते हैं, लोगों के दिलों को छू जाते हैं। तो लाइफ एनर्जी का अपना ख्याल रखें, इसे बचा के रखें, संभाल के रखें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो निगेटिव प्रवृत्ति के हों, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री यानी खगोलीय दैवीय रहस्य को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करें। ओम नमः शिवाय।